अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वैकेंसी आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेट बैंक की तरफ से वैकेंसीज आई हैं, उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले गूगल या क्रोम किसी एक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने jobupdate.pk लिख कर सर्च करना है। आपके सामने पहली ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप इधर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उधर से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरह करना है, आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट पेज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड द लेटेस्ट जॉब फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर बिजनेस स्पेशलिस्ट सीनियर स्पेशलिस्ट ऐप डेवलपर आईटी स्पेशलिस्ट एंड अदर पोस्ट। मतलब मुख्तलिफ वैकेंसीज हैं जिनमें सीनियर स्पेशलिस्ट है और ऐप डेवलपर है, आईटी स्पेशलिस्ट है और दूसरी पोस्ट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द लेटेस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जॉब 2021 बिफोर 8 नवंबर 2021। मतलब लास्ट डेट 8 नवंबर 2021 है, इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। जॉब डिटेल जो है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पे इसका एड आया था। जॉब लोकेशन जो है कराची है। हेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। लास्ट डेट जो है 8 नवंबर 2021 है। क्वालिफिकेशन बैचलर और मास्टर है। जॉब टाइप गवर्नमेंट परमानेंट। एलिजिबल क्राइटेरिया जो है कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान कैन अप्लाई लेटेस्ट SBP बैंक जॉब एडवर्टाइजमेंट 2020। मतलब पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके रेलिवेंट एजुकेशन और एक्सपीरियंस आपने मेंशन करना है। लास्ट डेट जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ 8 नवंबर 2021 है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग डिग्री फ्रॉम एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी मस्ट सबमिट एन इक्विवेलेंट। मतलब जो भी आपने डिग्री ली हुई है वो HE से प्रूव होनी चाहिए। तो ये हैं वैकेंसीज डिप्टी डायरेक्टर के लिए मास्टर, और ज्यादातर जो है वैकेंसीज मास्टर के मतलब के मतलब आपका मास्टर होना लाजमी है। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, हाउ टू अप्लाई फॉर बैंक ऑफ हैव जॉब्स 2021। ऑल कैंडिडेट हैज SBP जॉब्स 2021 ऑनलाइन अप्लाई थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो जो है इनका एडवर्टाइजमेंट पेज ये है। एडवर्टाइजमेंट पेज के नीचे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन भी मौजूद है। ये है मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मर्कजी बैंक कराची दर्ज इसामिया हाली के लिए नौजवान बासलियत और जोश उम्मीदवार तलाश कर रहा है। मतलब वैकेंसीज हैं जो आपने अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। इधर आपने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है, आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट पेज है वो ओपन करके देख लेना है जिस तरह के उन्होंने ये देखे। इधर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। आपने इधर क्लिक शेयर करना है। क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट पेज ओपन होगा। एडवर्टाइजमेंट पेज पे लिखा गया है क्वालिफिकेशन PhD इन इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन दी। मतलब 8 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है उन्होंने। और एप्लीकेंट प्रोजेक्ट मतलब आपने अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग the above mentioned eligible criteria may send their application click here। मतलब इधर क्लिक करना along with the detail resume CV address to the manager। मतलब जो भी आपने अगर इस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने अपनी CV जो है मुकम्मल तरीके से जो भी इन्होंने रेलिवेंट मांगी हुई है PhD और एक्सपीरियंस सारा मेंशन करना है। अपना नाम, अपना एड्रेस, ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर सारा कुछ जो है ना उसके साथ CV के अंदर अटैच करना है, ताकि मतलब लिखना है CV के अंदर। अगर आपको CV बनानी आती है तो आप खुद बना सकते हैं, नहीं तो किसी भी कंप्यूटर शॉप से बनवा सकते हैं। तो इनका ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया, आपने इसी ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देनी है। देखिए इनकी ईमेल एड्रेस पे आपने CV सेंड कर देनी है। इसी तरह आपने अगर दूसरे किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि इधर डिप्टी डायरेक्टर के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने उनका एडवर्टाइजमेंट पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इन्होंने एजुकेशन मांगी है, एजुकेशन मेंबर ICMAP मतलब ICMACCA मतलब ये क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है, CIA और मैक्सिमम 30 ईयर उन्होंने एज बताई हुई है, और शनाख्ती कार्ड सबमिशन एप्लीकेशन और इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग द अबव मेंशन एलिजिबल क्राइटेरिया शो लिंक दिस सिस्टम एप्लीकेशन ज्वाइंट डायरेक्टर रिसोर्स HRD मतलब आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ये देखें, ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन हो गया है। पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, इधर पोस्ट लिखें, ईमेल एड्रेस अपना लिखें और CNIC कार्ड लिख के नंबर लिख के आपने सबमिट करवा देना है इस पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है। इसी तरह आपने अगर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिस तरह के इसके लिए अप्लाई करना है, इधर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उनका एडवर्टाइजमेंट पेज, उसी जॉब का एडवर्टाइजमेंट पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, इन्होंने एजुकेशन जो है बैचलर और मास्टर डिग्री मांगी हुई है, और CCNA और CCNP सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है। जो एज मांगी हुई है उन्होंने 40 साल तक मैक्सिमम मांगी हुई है, 40 साल से कम होनी चाहिए एज, और 5 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट लिंक टू अप्लाई, इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये देखें, उन्होंने इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग एलिजिबल क्राइटेरिया ऑनलाइन अप्लाई, इधर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन पेज ओपन हो, ये देखें, डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क सिक्योरिटी जिसके लिए आपने अप्लाई करना था, इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और नीचे आपने CNIC नंबर लिख के सबमिट करवा देना है। इसी तरह जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, उधर आपने क्लिक करना है, तो वो पढ़ के सारी एडवर्टाइजमेंट तो डायरेक्ट आपने अप्लाई कर देना है। थैंक यू सो मच। ये थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वैकेंसीज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें।